हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल MICS Tech एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि HTML वेब पेज कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटपैड और नोटपैड पर कैसे कोडिंग करनी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट पर क्लिक करूंगा और स्टार्ट पर नोटपैड टाइप कर दूंगा और उसके बाद देखेंगे सबसे ऊपर नोटपैड लिखकर आ गया, उसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करते ही नोट पैड टेक्स्ट एडिटर है, ये खुल जाएगा। इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ फाइल में जाकर और फाइल को सेव कर लेते हैं। सबसे पहले सेव इसलिए कर लेते हैं ताकि आप समझ जाएं कि HTML फाइल बनाने के लिए HTML एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। HTML एक्सटेंशन क्या भी बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखा है फाइल नेम, यहाँ पर मैं डाल दूँगा एक फाइल नेम, जैसे एक फाइल नेम दे दिया मैंने और इसके बाद डॉट लगाकर HTML लिखना बहुत ज़रूरी है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा जो एड्रेस शो कर रहा है यहाँ पर सेव एज में यहाँ क्लिक करेंगे और इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पर मैंने इसको इस नाम से सेव किया, ध्यान रखिएगा MICS.HTML। सेव करने के बाद एक फाइल मेरी HTML की बन चुकी है और आप इसको डेस्कटॉप पर देख पाएंगे कि MICS और ये वेब ब्राउज़र के आइकॉन में दिख रही है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि ये वेब ब्राउज़र में ओपन होगी। ओके, और अब मैं आपको इसमें एक कोड लिखकर दिखाता हूँ जिसमें मैं हेडिंग टैग का प्रयोग करना बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं कोड टाइप कर लेता हूँ। कोड टाइप करने के लिए तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने थोड़ी सी कोडिंग आपको लिखकर दिखाई है। इसमें मैंने यहाँ पर HTML सबसे इम्पोर्टेंट टैग है जो लगना ज़रूरी है। इसके बाद इसके कंटिन्यूस में हेड टैग लिखा है, हेड टैग इसके बाद ही ला जाता है और इसके बाद टाइटल टैग और टाइटल टैग का एंड टैग इस हेड टैग के बीच में लिखा जाएगा। हेड टैग का स्टार्ट और उसका एंड टैग, इसके बीच में टाइटल टैग पूरा लिखा जाएगा और ये बीच में जो नाम लिखा गया है ये नाम मेरे उस पेज पर शो होगा जो मैं बनाने वाला हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा ये नाम कहाँ पर सेव होता है, उस वेब पेज में सेव होगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखें, अब मुझे इस बॉडी टैग के स्टार्ट टैग के पार्ट में मुझे हेडिंग टैग के सारे टैग लिखने हैं। तो दोस्तों मैं इसको इसको मैं टाइप कर लूँगा और ये वैल्यूज मैंने पूरी लिख दी हैं H1 से लेकर H6 तक और उसके एंड टैग भी सबके देख रहे हैं आप, ये सब एंड टैग लिखे हुए हैं और इसके हेडिंग टैग के बीच में मैंने MICS टैग लिख दिया है और ये एक नाम है हेडिंग के रूप में हमारे पेज में। और H1 से H6 तक ये आपको दिखाई देगा कैसे ये बढ़ रहा है। इसके बाद जब ये पूरा आप लिख लें, इसके बाद आपको बॉडी टैग का एंड टैग लगाना होगा जो मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए लगा दिया। इसके बाद एंटर करेंगे और जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मस्ट टैग है वो है HTML, उसको सबसे लास्ट में हमको यहाँ लगाना होगा उसका एंड टैग। दोस्तों ये आप जान लीजिए कि HTML के कुछ चार टैग जैसे HTML, हेड, टाइटल और बॉडी, ये कंपलसरी टैग हैं, इनको प्रयोग किया जाना आवश्यक है और इसके बगैर HTML की प्रोग्रामिंग नहीं होती है। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है HTML का जिसमें मैंने आपको हेडिंग टैग के सभी लेवल्स का प्रयोग करके दिखाया। हेडिंग टैग के 6 लेवल होते हैं, 1 से 6 तक, इनको इसे लिखना है और इसे अब मैं लास्टली फाइनली सेव करूँगा। सेव करने के बाद इस पेज को मिनिमाइज करूँगा और जो मेरा ये पेज रहा है इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको ओपन कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि HTML में जो मैंने कोडिंग लिखी है, अब देखिए फ्रेंड्स ये MICS टेक एजुकेशन H1 का जो इम्पैक्ट है वो सबसे बड़ा इस हेडिंग को दिखा रहा है। इसके बाद MICS टेक HTML के जो हेडिंग टैग है इसका दूसरा H2 टैग प्रयोग किया गया है। इसी तरह H1, H2, H3, H4, H6 तक के सारे टैगों को मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि इसका मैंने टाइटल नेम दिया है, वो टाइटल नेम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिख के आ रहा है MICS टेक एजुकेशन फर्स्ट पेज सॉरी। और आपको इन वेब ब्राउजर्स पर ये बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों मेरा ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे YouTube चैनल MICS Tech Education को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पर भी अवश्य क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।